मौजूद है और सभी वर्गों को साथ लेकर, और जो 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 ये विफलताएं हैं मौजूदा सरकार की भारतीय जनता पार्टी की, जो हर वर्ग इससे विमुख है, जो कांग्रेस के समय जब हमारी सरकार थी हर वर्ग खुश था, तो उनके लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। तो अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर लोगों में जो अविश्वास की जो भावना पैदा हुई है, विश्वास जताएंगे हर वर्ग में, और कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। अच्छा, बार बार ये 75 पार करेंगे, हम 75 पार सीटें जीतेंगे, ये तो देखिए 90 सीट है, ये भी कह सकते हैं 90 में से हम 110 लेंगे, लेकिन ये किसको कितनी सीट मिलनी है ये तो लोग फैसला करेंगे, ना वो फैसला करेंगे ना हम करेंगे। अच्छा, एक अशोक तंवर ने आज चर्चा में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो इस पर आप क्या कहते हैं? मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये तो व्यक्तिगत फैसले हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार तो आप बताइए, बहुमत आएगा और कांग्रेस की सरकार। हुड्डा साहब, कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, मतलब तंवर की तरफ से टिकट बेचने तक के आरोप। मैंने बताया ना आपको, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता मैं, और ये उनके व्यक्तिगत फैसले हैं। तो आगे चुनाव में कौन कौन स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ हरियाणा में आएंगे? अभी आएंगे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो भी आएंगे, जो हरियाणा में वरिष्ठ नेता वो भी आएंगे। तो सोनिया जी और राहुल जी का कोई कार्यक्रम तय? वो भी आएंगे, कार्यक्रम तो तय करेंगे अभी वो। आप तंवर को मनाने का प्रयास करेंगे सर? मैंने कहा ना, व्यक्तिगत फैसले हैं उनके, किसी के भी हों, मनाने के लिए मनाना ना मनाने का सवाल नहीं है, मैंने बताया ना आपको, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करता हूँ। अब जिस तरह से इस्तीफा दिया है, तो अब इसके बाद आप प्रचार करेंगे या फिर पूरे प्रदेश में जा करके, या फिर इस विवाद को निपटाएंगे? मैं तो पार्टी का प्रचार करूंगा, या विवाद को भी निपटाएंगे? कौन सा विवाद, कोई विवाद ही नहीं है कांग्रेस में। बोले जी, सोनिया अपना राहुल जी हरियाणा में कितने दौरा करेंगे, स्टाफ अपना कितने बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे? अच्छा, ये हमारी अध्यक्ष है वो बना रही कार्यक्रम, वो बनाएंगे। ठीक है।